हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं रहता है उनमें एजिंग के लक्षण भी जल्दी आने लगते हैं। ना सिर्फ इतना, इसका असर आपकी स्किन, हड्डियों, हार्ट, लंग्स, किडनी और दूसरे अंगों पर भी नजर आता है। आजकल के समय में जबकि बहुत सी वायरल इन्फेक्शन, संक्रमण और बहुत सी ऐसी बीमारियां फैली हैं जिनका अभी तक इलाज भी नहीं आया है, इन बीमारियों के चलते हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम इन बीमारियों से लड़ सकें और इनसे अपने शरीर को बचा सकें। आजकल हमारा लाइफस्टाइल और खान पान ऐसा है कि लोगों की इम्यूनिटी काफी वीक होती जा रही है और इस वजह से तरह तरह के संक्रमण, इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, किडनी और लंग्स की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम हर दूसरे व्यक्ति को होने लगी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि आपके किचन में ही मौजूद है और आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और कई बीमारियों से अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, बात कर रहे हैं लहसुन की। लहसुन एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही मजबूत एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबायोटिक के रूप में हमारे शरीर में काम करता है। ये आपके पेट के लिए, आपके शरीर के लिए एक नेचुरल और हेल्दी फिल्टर के रूप में काम करता है जो कि आपके शरीर में मौजूद विषैले तत्वों से लड़ने में शरीर की रक्षा करता है और साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाता है जिससे आप बहुत सी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि लहसुन को किस तरीके से सेवन करना चाहिए और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए जिससे इसके भरपूर फायदे आपकी बॉडी को मिल सके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लहसुन को किस समय और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए और किस तरह से इसको खाना चाहिए। दोस्तों, लहसुन को खाने का सबसे जो बेस्ट समय होता है वो होता है सुबह के समय, यानी सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट हमें लहसुन का सेवन करना चाहिए, तभी इसके प्रॉपर बेनिफिट्स हमारे शरीर को मिलते हैं। लहसुन को किस तरीके से खाना है वो जान लेते हैं। आपको 2 लहसुन की कलियां लेनी है। 2 से ज्यादा लहसुन की कलियों का सेवन आप बिल्कुल भी ना करें वरना यह आपके शरीर में गर्मी कर सकता है। 1 या 2 लहसुन की कलियों का आपको सेवन करना है। इसको अच्छे तरीके से छील करके इसका छिलका निकाल लें और उसके बाद में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। देखिए, लहसुन खाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप लहसुन को कच्चा इसी तरह से चबा करके खा लें और ऊपर से गर्म पानी पी लें। और जो लोग लहसुन को कच्चा चबा करके नहीं खा सकते हैं वो लहसुन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। 2 लहसुन की कलियां लें, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके खाएं। इससे लहसुन खाने में आपको आसान रहेगा और उसके पूरे फायदे भी आपके शरीर को मिलेंगे। और इसको खाने के बाद में आप 1 ग्लास हल्का गर्म पानी जरूर पिए। रोजाना सुबह खाली पेट इसी तरह से आपको लहसुन का सेवन करना है। तो फ्रेंड्स, ये तो है लहसुन खाने की सही मात्रा, सही तरीका और सही समय। आप जान लेते हैं कि सुबह सुबह अगर हम खाली पेट लहसुन खाते हैं तो हम अपने शरीर के किन किन बीमारियों पर कंट्रोल कर सकते हैं, किन बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। सबसे पहला फायदा, आजकल जितनी भी तरह के वायरल इन्फेक्शन फैले हुए हैं, बहुत तरह की बीमारियां फैली हुई हैं जैसे कि फ्लू, कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी डिजीजेस और भी बहुत सारे ऐसे संक्रमण हैं जिससे लड़ने के लिए हमारी बॉडी को एक मजबूत इम्यून सिस्टम की जरूरत है और लहसुन खा करके आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर सकते हैं। सर्दी, खांसी, फ्लू, वायरल इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है लहसुन का सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा। लहसुन का दूसरा फायदा उन लोगों के लिए है जिनको जोड़ों और घुटनों में दर्द की समस्या रहती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को बहुत ज्यादा हड्डियों में पेन होता है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम रहती है, गठिया की समस्या है, उन लोगों के लिए लहसुन बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, लहसुन में एंटीबायोटिक, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि जोड़ों के दर्द और स्वेलिंग में बहुत ज्यादा आराम देते हैं। इसलिए जिन लोगों को आर्थराइटिस या जोड़ों में दर्द की समस्या रेगुलर रहती है वो लोग रोजाना लहसुन की 1 से 2 कली को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएं और सुबह सुबह खाली पेट इसका सेवन करें और इसको लेने के बाद में 1 ग्लास गर्म पानी पिएं। आप देखेंगे कि 1 ही हफ्ते में आपको जोड़ों और घुटनों के दर्द में काफी आराम मिल जाएगा।
लहसुन का दूसरा फायदा ऐसे लोगों के लिए है जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उनको भी रोजाना लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और दिल की बीमारी से भी आपको बचा के रखता है। अगर आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है या सांस की कोई समस्या है तो लहसुन का सेवन जरूर करें। लहसुन निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में कोई भी रुकावट हो, काली खांसी की समस्या हो, जुखाम, सर्दी, फ्लू की समस्या हो, उसको बहुत ही जल्दी दूर करने में और उसका इलाज करने में मदद करता है। अगर आप लहसुन का सेवन रोजाना करते हैं तो आपको सांस से संबंधित जो समस्या है वो कभी भी नहीं होगी। लहसुन खाने से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे लिवर और दिल की बीमारियां जो है वो नहीं होती हैं। दोस्तों लहसुन आपके डाइजेशन के लिए भी बहुत ही बेहतर होता है। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करता है, आपकी भूख को बढ़ाता है, स्ट्रेस को कम करता है। आपके पेट में अगर एसिड या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की समस्या रहती है, कब्ज की समस्या रहती है तो लहसुन का सेवन जरूर करना चाहिए। इससे आपकी पेट से संबंधित सभी बीमारियां दूर होती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एक इम्यूनिटी बूस्टर जिसको आप रोजाना सेवन करके अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस इम्यूनिटी बूस्टर को किस तरह से तैयार करना है। सबसे पहले आपको एक कांच का जार ले लेना है, कोई भी एक कांच का जार आप ले सकते हैं। जार को धो करके अच्छे से उसको सुखा लीजिए। इसके बाद आपको लेनी है 10 से 12 लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियों को अच्छे तरीके से छील करके इसको छोटे छोटे और बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। तो सबसे पहले हम इस शीशी में डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कटी हुई कलियां। दूसरी चीज जो हमें इसमें ऐड करनी है वो है बादाम का पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 15 बादाम लिए हैं और उसको मैंने मिक्सी में ग्राइंड करके उसका पाउडर तैयार किया है। आपको इसमें ऐड करना है लगभग 3 बड़े चम्मच बादाम का पाउडर। अगली चीज जो हमें इसमें ऐड करनी है वो है शहद। यहाँ पर हम 5 चम्मच शहद इसमें ऐड करेंगे। आपको इसी रेशो में ये तीनों चीजें ऐड करनी है। आप इसको एक हफ्ते के लिए बना करके स्टोर कर सकते हैं और जब खत्म हो जाए तो एक हफ्ते के बाद दोबारा से इसको इसी तरह से तैयार कर लीजिए। तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से आपका एक बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर बन करके तैयार हो जाएगा। रोजाना आपको सुबह सुबह बिल्कुल खाली पेट और इसको 2 चम्मच की मात्रा में आपको लेना है। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच की मात्रा में दें और बड़ों को दे रहे हैं तो 2 चम्मच की मात्रा में आपको सुबह सुबह इसको लेना है और इसको लेने के बाद में आपको 1 गिलास हल्का गर्म पानी पीना है। अगर आप रोजाना इस तरीके से इसको लेंगे तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा और आपके शरीर को कई बीमारियों से बचा के रखेगा। तो दोस्तों ये थे लहसुन के कुछ फायदे और उसको खाने का सही तरीका। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो मैं आपसे मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।